इस वीडियो को देखकर जब आपका मन इतना खराब हो गया तो जरा सोचिए कि जो लोग इस सैलून के क्लाइंट रहे होंगे उन पर इस वीडियो को देखकर क्या बीती होगी। ये घिनौनी दिखने वाली तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के एक सैलून की है, जहां के एक कर्मचारी ने ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज कर दी। शक होने पर जब ग्राहक ने दुकान का सीसीटीवी फुटेज चेक किया तब कर्मचारी की पोल खुल गई। इस वीडियो को देखकर ग्राहक गुस्से से लाल हो गया। ग्राहक ने कर्मचारी के खिलाफ सुशांत गोल्ड सिटी थाने में मामला दर्ज कराया है। बता दें, ग्राहक को लंबे समय तक ये पता ही नहीं था कि कर्मचारी ने उसके साथ ये हरकत की है। बता दें, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें देखा जा सकता था कि एक सैलून कर्मचारी ने ग्राहक के चेहरे पर थूक लगाकर मसाज कर दी। कर्मचारी की ये हरकत सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ग्राहक सैलून पहुंचा और सीसीटीवी फुटेज चेक कराने के लिए कहा। काफी देर तक चली जिद बहस के बाद सैलून वालों ने आखिरकार वीडियो दिखाया और ग्राहक का शक यकीन में बदल गया। बता दें, इस मामले पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है, बीते दिनों इस तरह का मामला यूपी के शामली में भी सामने आया था, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को अरेस्ट कर लिया था। वीडियो में देखा गया था कि एक सैलून वाले ने कस्टमर के चेहरे पर क्रीम का लेप लगा दिया, जिसके बाद कस्टमर को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी। इसके बाद मसाज करवा रहे कस्टमर को इसकी जरा भी भनक नहीं लगी कि सैलून वाले ने उसके साथ क्या हरकत की है। इस दौरान भी सैलून वाले ने अपने थूक के साथ कस्टमर के चेहरे पर मसाज की थी। हालांकि तब कस्टमर को इस बात की भनक तक नहीं लगी, लेकिन सामने बैठे एक और कस्टमर ने इस घटना को अपने मोबाइल में कैद कर लिया, जिसके बाद उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया और इसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुझे समझ नहीं पाया क्या हुआ। अब वो हुआ